चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पूरा ही भारत का किसान इस समय आक्रोशित भी है, आंदोलित भी है। सरकार को वोट हमने भी दे रखी, विरोध करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। तो सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि बहुत तुरता फुर्ती में कानून पास कर दिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कितने दिन से आप धरने में जुड़े हुए हो, कहाँ पे ये धरना चला हुआ है? लगभग 70 दिन हो गया यहाँ पेट्रोल पे। आंदोलन में कहाँ कहाँ से किसान आपके साथ जुड़ रहा है? ये तो पूरे देश में जुड़ रहा है। ये तो ऐसा नहीं है कि कुछ क्षेत्र का, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, 80% जो जनसंख्या है यहाँ की कृषि क्षेत्र पर आधारित है और पीड़ित है। सभी किसान, पूरे देश का किसान पीड़ित है और आंदोलन में पूरे किसान, पूरा ही भारत का किसान इस समय आक्रोशित भी है, आंदोलित भी है। किसान को इन्होंने माओवादी बता दिया, किसान को खालिस्तानी बता दिया, किसान को तरह तरह के हथकंडे बनाकर हर तरह का कोई कहीं की झगड़ा आ गया, किसान के सिर लगा दिया। किसान इतना अहिंसक रूप से, चूंकि अहिंसा का पुजारी है किसान, इतने तरीके से वहाँ आंदोलन चला रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तरह तरह के कंडे अपना के ये तरीके से धरना और ये प्रदर्शन इनके फेल हो जाए। सरकार को वोट हमने भी दे रखी, विरोध करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। लोग मेरे खिलाफ़ आप हैया दर्ज कर दी थी अभी 4 दिन पहले यहाँ छपा देने में, क्या आपने गाड़ी रोकी मोदी जी की और योगी जी की, शायद यह क्या वो किया। संविधान है, यहाँ प्रधानमंत्री हो कि आम आदमी हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना, संविधान सबके लिए एक है। मुख्य मांगे तीन ही हैं, तीन काले कृषि कानून। किसानों का ये कहना है जब देश में किसानों का सर्वे नहीं करा गया तो सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि बहुत तुरता फुर्ती में कानून पास कर दिए। जब कोई कानून बनता है तो पहले से सर्वे होता है, गुण दोष तय होते हैं, तब जाकर कानून बनते हैं। सरकार ने बहुत जल्दी करी। किसानों पर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है भाई? कोई सी भी नीति नू ना छोड़ दी नहीं किसान का आंदोलन समाप्त करने की, चारों में फैल हो रहे रोते रहेंगे। किसानों ने भी मन पक्का कर लिया कि भाई बिजली की नीति चलन नहीं देने की, बस इन तो मुकाबला नीतियों का, नीतियों से ही ले लो ले। हमारे में क्वालिफाइड नहीं है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। भाई हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाएगा या फौज को मरवाएगा या सेना को मरवाएगा? अब भी सेना कहीं मर दी क्या? अब देखिए जहाँ सेंटर के चुनाव आए तो सेना मरने लगेगी, 10 सैनिक मार दिए, 5 मार दिए, आतंकवादी पकड़े गए, अब ठीक काम चल रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है। सन 2022 के चुनाव में हम तुम्हें बताऊँगे, तुम तो हमारा तो काम दिल्ली के बिना चल जाएगा। वहाँ दिल्ली में कोई ऐसा नहीं कि आलू टमाटर बिक रहे, खाद बीज मिल रहा है या किसान और चीज लेने जा रहा, हमारा क्या मतलब है दिल्ली से? चलो भाई तुम इसे घेरो चारों तरफ तो, लेकिन तुम्हारा जो जिस तरह आदमी खाना खाने के बाद उसे पानी की जरूरत पड़े, इसी तरह इन नेताओं की गांव की जरूरत पड़ेगी। सांसद और विधायक हैं गाँव में चुनकर, जहाँ हमारा तो मामला बन जाएगा दिल्ली और लखनऊ से, लेकिन इनका इलाज भरा जाएगा। सन 2022 के और सन 2024 के चुनाव में इनका ऐसी वैक्सीन लगा देंगे। और ये तो 3 बिल ले फिर, बिल 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 बिल, और असली बिल जो है इन्हें नहीं पता, असली बिल जो है किसान बना रहा है।